फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की मेरी जो रेसिपी है वो है पालक का निमोना। और पालक का निमोना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, क्योंकि पालक है तो हरी सब्जियाँ हमारे लिए प्रोटीन विटामिन से भरपूर होती हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, बिना देर किए हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। दोस्तों, पालक का निमोना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले 250 ग्राम पालक। इसको मैंने अच्छे से धुल के साफ करके रख लिया है। और मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ के आलू, इसको भी मैंने लंबे लंबे साइज में काट के रख लिया है। और एक टमाटर। और तड़के के लिए मैंने लिया है लहसुन और 2 मीडियम साइज के प्याज काट के रख लिया है। और मिर्च है, अदरक, तेजपत्ता और ये बड़ी है। और मैंने एक प्याज तड़के के लिए रखी है काट के बारीक बारीक। और मैंने हींग लिया है थोड़ी सी। तो गाइस, सबसे पहले मैं पालक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ और इसको अब मिक्सी के जार में डाल के पीसूँगी। ये देखिए, पालक को मैंने पीस लिया है अच्छे से। अब इसी तरह से मैं मसालों को भी पीस ले रही हूँ। इसमें मैंने लिया है अदरक, लहसुन, प्याज जो काट के रखा था और 2 लाल मिर्च हैं। इसी में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच खड़े मसाले जो मैंने पहले से ही पीस के रखे थे। इसको भी मैं पीस ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के पीसूंगी ताकि अच्छे से पीस जाए। और ये देखिए मेरा कितना बढ़िया से पीस गया है। टमाटर को भी पीस के हम इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है गरम होने के लिए। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकती हैं। तो मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी आलू जो काट के मैंने रखी थी, इसको सबसे पहले मैं फ्राई कर लूंगी। आलू को हम थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे। और ये देखिए हल्का हल्का मेरे आलू का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। और अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा ही अच्छा कलर आया है इसका। और अब मैं तेल में डाल रही हूँ सबसे पहले जीरा। हम जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे आधी चम्मच हींग। और अब इसमें मैं बड़ी डाल रही हूँ। दोस्तों, इससे क्या होता है कि सब्जी का टेस्ट जो होता है वो और भी अच्छा हो जाता है। और इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता डाल दिया है। अब इसको हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था उसको डाल दे रही हूँ। इसको भी हल्का सा भूनेंगे। और अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। प्याज को भी हम हल्का सा गोल्डन होने देंगे। ये देखिए मेरे प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो पिसे हुए मसाले मैंने रखे थे, उसको डाल के थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूनूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको बड़ी बनाने की रेसिपी जाननी हो तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना के डाला है, आप देख सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच गर्म मसाले और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन मसालों को थोड़ी देर के लिए भून देंगे हम अच्छे से। मसाला मेरा हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी पीसी हुई पालक और इसको थोड़ी देर के लिए भून देंगे बढ़िया से।
और अब देखिए पालक भी मेरी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें मैंने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था उसको भी डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, इससे सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। ये टमाटर मेरा पक चुका है। अब इसमें मैं जो मैंने आलू फ्राई करके रखी थी उसको भी डाल के थोड़ी देर के लिए बढ़िया से तलूंगी इसको, ताकि इसमें खूब सोंधापन आए और सब्जी का टेस्ट भी जो है वो बहुत बढ़िया लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों सब्जी को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी पानी, इसमें मैं एक गिलास पानी ऐड करूंगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें, मैं तो इसमें 2 से 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ, छोटा चम्मच। और अब इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो अब देखिए सब्जी मेरी पक के रेडी हो गई है। तो दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।